सो गाइस वेरी गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। से फ्रेंड्स वेलकम करता हूँ आपकी इस अपने यूट्यूब चैनल मेक मनी गुरु पे। फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेक्स के रिलेटेड। जैसे कि इसके पहले के कंटेंट में हमने देखा है कुछ फॉरेक्स के बारे में कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है या नहीं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि उस कंटेंट के बाद हमको पता चल गया कि फॉरेक्स इज़ अ रियली प्रॉफिटेबल बिजनेस। जो लोगों ने वीडियो वो नहीं देखा है तो इसके पहले का जो वीडियो है, इस वीक के पहले का या इस वीक का जो मैंने वीडियो अपलोड किया लास्ट वीक का, तो उस वीक का वीडियो आप जाकर देख लो ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्योंकि मैं फॉरेक्स का पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जो बहुत से लोगों के माइंड में क्वेश्चन आते हैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ, देन इंशाल्लाह हम आगे उसके ऊपर बढ़ेंगे। तो आज के सेशन में बढ़ने वाले हैं व्हाई फॉरेक्स ट्रेडर लूज मनी, क्या ऐसे गलतियाँ होती है। क्योंकि हमको एक चीज़ तो पता चल गया भाई, फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल, फिर बहुत से फॉरेक्स ट्रेडर क्यों पैसा लूज करते हैं, कुछ रीजंस, कुछ पॉइंट्स है जो कि हमें समझना होगा। और अगर हम उस पॉइंट्स को ठीक कर देते तो शायद हम जो लॉस कर रहे हैं वो लॉस से हम बच सकते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले हम मूव करेंगे अपने फर्स्ट पॉइंट पर। पहले हम देखेंगे व्हाई फॉरेक्स ट्रेडर फेल्स एंड लूज मनी। फॉरेक्स मार्केट रिक्वायर लॉन्ग एंड डिटेल प्लानिंग ऑन मल्टीपल लेवल्स। फॉरेक्स एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप ये नहीं समझ सकते हो कि भाई आपने एक बार कोई चीज सीख लिया है और उस चीज को लेकर आप ट्रेड हमेशा कर सकते हो। ये एक ऐसा बिजनेस है जो कि बहुत लंबे टाइम के लिए रहेगा और आपको यहां पर एक डिटेल प्लानिंग हर चीज के लिए, हर स्टेप्स के लिए, हर लेवल्स के लिए करके रखना जरूरी है। ट्रेडिंग कैन नॉट बी कॉमेंस विदाउट अ ट्रेडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट बेसिक्स। बिना हमको कोई नॉलेज के, बिना बेसिक्स कंसेप्ट ऑफ नॉलेज, फॉरेक्स ट्रेडिंग हम बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। एंड एन ऑनगोइंग एनालिसिस ऑफ एवरी चेंजिंग मार्केट एनवायरमेंट। प्लस हमको देखिए टेक्निकल कंसेप्ट्स के और मार्केट बिहेवियर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ट्रेडिंग के अंदर, स्पेशली फॉरेक्स के अंदर। तो हमको उसका भी आइडिया होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ की पॉइंट्स को कलेक्ट किया हो जिसके बेस के ऊपर आप आइडिया ले सकते हो क्या क्यों बेसिकली हम क्योंकि यहाँ पर वो की पॉइंट्स को देखने वाले हैं कि क्यों हम फॉरेक्स में पैसा लूज करते, ताकि हमको जब पता चल जाए कि हम इस वजह से पैसा लूज कर रहे तो हम उस चीज़ को अवॉइड करते हुए, उस चीज़ को निगलेक्ट करते हुए अपने ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सकते। सबसे पहला जो पॉइंट हमारा वो है ओवर ट्रेडिंग। आइदर ट्रेडिंग टू बिग और टू ऑफ्टन इज द मोस्ट कॉमन रीजन व्हाई फॉरेक्स ट्रेडर फेल्स। बहुत से रिसर्च और प्लस पर्सनल एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेडर या ऑलमोस्ट जो ट्रेडर फेल होते हैं ज़्यादातर वो ओवर ट्रेडिंग के कारण होते हैं। क्योंकि हमेशा ट्रेड करना मतलब क्या होता है गाइस, आप एक कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो, आप ट्रेड में ट्रेड लगा रहे हो, एक दिन में आप 10 ट्रेड 15 ट्रेड कर रहे हो, इसको बोलते हैं ओवर ट्रेडिंग बेसिकली। तो अगर आप इस टाइप के ट्रेड करते हो डेफिनेटली फिर आप कहीं ना कहीं जाकर स्ट्रक हो जाते हो और फिर वहाँ पर आपका लॉस ही होता है। और इवन काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस के बाद भी मुझे ये पता चला है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल के वक्त में काफ़ी कम ट्रेड ले रहा हूँ और इवन फिलहाल मुझे लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, अभी स्टिल मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ। लेकिन जो रीज़न मुझे लगते हैं जिसके कारण हम अगर इसको लूज़ करें तो हमको प्रॉफिट बन सकते हैं, वो रीज़न आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। ओवर ट्रेडिंग माइट बी अ कॉस्ट बाय अनरेस्ट्रिक्टली हाई प्रॉफिट गोल्स, मार्केट एडिक्शन एंड इनसफिशिएंट कैपिटलिज्म। ओवर ट्रेडिंग होने के बहुत से रीजन है। एक तो हम हाईली प्रॉफिट गोल एज्यूम लेते हैं, अकाउंट साइज छोटा है लेकिन हमको बना कमाना है बड़ी अमाउंट, मार्केट में एडिक्ट हो जाते हैं, बस ट्रेड लेने पे एडिक्शन हो जा रहे, मार्केट को समझ नहीं रहे हम। देखिए ओवर ट्रेडिंग अगर हम करते हैं तो ये सब चीज़ में आ जाते हैं। एक तो क्या होता है, आपका हाईली प्रॉफिटेबल गोल्स, आपके दिमाग में गोल होता है आपको दिन का 1000 डॉलर करना है या 100 डॉलर करना है या 200 डॉलर करना है। मार्केट एडिक्शन, अगर आपका गोल बड़ा है तो आप क्या करते हो, मार्केट को फिर कंटिन्यू ट्रेड करेंगे जिसमें आपको ओवर ट्रेडिंग होगा। और इनसफिशिएंट कैपिटलिज्म, ये बहुत ज़्यादा रोल प्ले होता है, कैपिटल उतना नहीं है लेकिन ट्रेड उससे ज़्यादा लगाए जा रहे हैं, तो इसलिए हमको इस चीज़ से बचना होगा। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन डेंजर्स ऑफ ओवर ट्रेडिंग इज द लॉस ऑफ कैपिटल ऑफ्टन ट्रेडर्स। बेसिकली सबसे डेंजरस अगर हम बात करते हैं ओवर ट्रेडिंग की, तो उसमें जो सबसे नुकसान हमारा होता है वो पैसा, हमारा जो कैपिटल हम लेके आते हैं मार्केट में, एग्जाम्पल 100 डॉलर लेकर आ रही, तो पैसा लूज होने का चांसेस वहाँ पर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। कमिट द मिसिस्ट ओपनिंग मैनी ओपोजिशन इन द बिलीफ ऑफ हिटिंग द जैकपॉट ऑन सम ऑफ दोज ट्रेडर्स। हम ये एजम्पशन लेते हैं कि भाई हम अगर मल्टीपल ट्रेड्स लगाएंगे तो इसमें नहीं तो उसमें फायदा, उसमें नहीं तो इसमें फायदा। डेफिनेटली वो चीज़ एक सोचने के हिसाब से बिल्कुल सही होती है, लेकिन फॉरेक्स में वो चीज़ हम जब हम अप्लाई करना चाहते हैं तो वो गलत होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम होता है और हम ट्रेड मल्टीपल लगाते हैं, ये सोचते हैं कि इसमें से किसी एक ट्रेड पर हमको एक बड़ा सा प्रॉफिट बन जाएगा। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर जो रीज़न मुझे लगता है वो है इनसफिशियंट कैपिटलाइजेशन। मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर हमारे पास प्रॉपर कैपिटल नहीं है, प्रॉपर फंड नहीं है, हमारे पास लिमिटेड फंड पे ट्रेड अगर हम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पर हम सक्सेस नहीं कर पाएंगे। मोस्ट ट्रेडर नोट दैट इट टेक्स मनी टू मेक रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट। अगर हमको पैसा बनाना है तो आपको, अगर हमको एक्चुअल में पैसा बनाना है तो हमको उसके लिए पैसा चाहिए उस क्वांटिटी में
जितना पैसे लाएंगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न बन सकता है। वन ऑफ फॉरेक्स बिगेस्ट एडवांटेजेस इज द अवेलेबिलिटी ऑफ हाई लिवरेज अकाउंट। यहाँ पर हमको लिवरेज मिल जाता है 500 तक का। इवन बहुत से ब्रोकर देखा छोटे मोटे जो को 1000 का लिवरेज प्रोवाइड करती है। दिस मीन्स दैट अ ट्रेडर विद लिमिटेड स्टार्टिंग कैपिटल कैन स्टिल अचीव अ सब्सटेंशियल प्रॉफिट और इंडेड लॉस बाय स्पेकुलेटिंग द प्राइस ऑफ द फाइनेंशियल एसेट। यहाँ पर आपको ये चीज बताया जा रहा है कि अगर आप हाईली लिवरेज अकाउंट यूज करते हो तो वहां पर आप छोटे से कैपिटल से तो ट्रेड बड़ा लगा सकते हो, बड़ा आपको प्रॉफिट भी हो सकते हैं और इंडीड ऑफ लॉस आप बड़ा लॉस भी कर सकते हो। जहां पे आप ये सोचते हो कि छोटा अकाउंट लेंगे, 1000 का लीवरेज लेंगे और ऑलमोस्ट 0.60 का लॉट यूज करेंगे और वहां पर आप मार्केट को स्पेकुलेट करके थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बनाएंगे। ये भी हमारा एक बहुत बड़ा मिथ होता है जिसके कारण हम बेसिकली मार्केट में से पैसा हम लूज करते हैं, क्योंकि हमारे पास अगर प्रॉपर कैपिटल नहीं रहेगा तो हमारे लिए ये जो प्रॉब्लम है वो फेस होने का चांसेस बढ़ जाएगा। हैविंग अ सफिशिएंट अकाउंट ऑफ मनी इन अ ट्रेडिंग अकाउंट इंप्रूव्स अ ट्रेडर चांस ऑफ लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी सिग्निफिकेंटली एंड ऑल्सो लोअर द साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट कम्स विद अ ट्रेडिंग। अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉपर अमाउंट रहेगा, अगर हम प्रॉपर अमाउंट लेकर आते हैं तो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अगर आपके पास अकाउंट रहेगा, पैसा रहेगा तो ही आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप इनसफिशिएंट पैसा लाके उसके अंदर आप बड़े लॉट या ओवर ट्रेडिंग करोगे तो फिर आपका क्या होने वाला है, आपका जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा एंड ऑल्सो लोअर द साइकोलॉजिकल प्रेशर दैट कम्स विद ट्रेडिंग। और जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे माइंड पर, हमारे दिमाग पर एक प्रेशर बन जाता है, डर बन जाता है और एक लालच आ जाती है। तो ये जो साइकोलॉजिकल कंसेप्ट से अगर हम सफिशिएंट अमाउंट के साथ ट्रेड करेंगे विद प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट उसके साथ, तो फिर हमारे पास जो साइकोलॉजिकल प्रेशर रहेगा वो भी हमारा यहां पर बिल्कुल कम या खत्म हो जाएगा। सेकंड जो पॉइंट है हमारा वो है ट्रेडिंग एडिक्शन। ट्रेडिंग एडिक्शन इज अनदर की रीजन व्हाई फॉरेक्स ट्रेडर टेंड टू लूज मनी, दे डू समथिंग इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नेवर डू। ट्रेडिंग एडिक्शन, हमको ट्रेड करने का इतना ज़्यादा एडिक्शन हो जाता है कि हम वो चीज करते हैं जो कि एक प्रोफेशनल, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर नहीं करता। वो क्या? चेस द प्राइस। हम मार्केट को चेस करने की कोशिश करते हैं, प्राइस को चेस करने की कोशिश करते हैं। जब मार्केट एक्चुअल में अपना मोमेंटम स्टार्ट करता है तो हम सोचते हैं उसमें एंट्री लेना है। तो बहुत से ज्यादा ट्रेडिंग एडिक्शन में हम उस तरफ फंस जाते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट विद अ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंटरवल एंड अ वोलेटिलिटी करेंसी पेयर। फॉरेक्स ट्रेडिंग में हमको बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट मिलता है तब जब मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग इंटरवल्स आते हैं या मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होता है, स्पेशली गोल्ड के लिए। मैं अगर पर्सनल बात बोलूं मेरी, तो मैं खुद गोल्ड के ऊपर काफी एक मज़े लेकर ट्रेड करता हूँ, लेकिन पिछले 2 या 3 दिन से मैंने अब तक ऑलमोस्ट $100 लूज किया है। क्यों लूज़ किया है? बिकॉज इन वॉलेटाइल मार्केट के अंदर मैं ट्रेड ढूंढने की कोशिश करता था और मुझे बहुत टाइम प्रॉफिट हुआ है, लेकिन समटाइम्स मुझे लॉस भी हो रहा था। तो हम ये गलती अक्सर करते हैं। मैं अभी सीख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल प्रोफेशनल की तरह ट्रेड करता हूँ। मैं आपके सामने ये पॉइंट इसलिए रख रहा हूँ ताकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं ये फेस कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपके सामने पॉइंट रखा ताकि आप लोग इस पॉइंट को अवॉइड कर सके, अपने माइंड से निकाल सके। इट कैन ऑल्सो कॉज अ हक अमाउंट ऑफ स्ट्रेस इफ द मार्केट मूव्स इन एन एंटिसिपेटेड डायरेक्शन। अब सिंपल से वही चीज़ बताया जा रही है कि अगर हमको ये आदत रहेंगे जहाँ पर हम मार्केट को चेस करेंगे और अगर हम ट्रेड ले लेते हैं और मार्केट अगर हमारे अपोजिट जाता है तो फिर क्या होगा गाइस, हमको एक बहुत भारी मात्रा में एक अच्छा खासा लॉस देखने को मिल सकता है। टू अवॉइड दिस सिनेरियो ट्रेडर नीड टू एंटर द मार्केट विद अ क्लियर एग्जिट स्ट्रेटजी इफ थिंग्स आरंट गोइंग देयर वे। अगर हम इस टाइप का कोई ट्रेड लेते हैं तो हमारे पास कोई ना कोई क्लियर एग्जिट स्ट्रैटेजी रहेगा, जो कि मेरे पास हर टाइम होता है। जब भी मैं कोई मार्केट को चेस करता हूँ तो मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है ये मुझे पता है, क्योंकि जहाँ पर मैं मार्केट को चेस कर रहा हूँ या जहाँ पर मैं ऐसा ट्रेड ले रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे पहले से सोच कर रखना होता है कि मुझे एग्जिट कहाँ पर करना है ताकि वो हिसाब से मैं एग्जिट कर पाऊँ और मैं उस सिचुएशन में एग्जिट अपने टाइम पर कर लेता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है नॉट अडैप्टिंग टू द मार्केट कंडीशन। Assuming that one proven trading strategy is going to be enough to produce endless winning trade is another reason why forex trader lose money because market are not static. यहाँ पर आपको सिंपल से ये चीज बताया जा रहा है कि हम ये भी अंदाजा नहीं लगा सकते हैं क्या एक कोई स्ट्रैटेजी हमने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए बना दिया है और उस चीज से हम लॉन्ग टाइम या एंडलेस प्रॉफिट बना सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि मार्केट यहाँ पर एक स्टेबल नहीं है, यहाँ पर मार्केट चेंज होता है हर टाइम। मार्केट हमारा न्यूज़ के हिसाब से या वोल्टेल के हिसाब से चेंजेस हमको देखने को मिलता है। बिकॉज द मार्केट आर एवर चेंजिंग, अ ट्रेडर हैज टू डेवलप एन एबिलिटी टू ट्रैक डाउन दीज चेंजेस एंड अडैप्ट टू एनी सिचुएशन दैट मे अकर। हमको यहाँ पर चेंजेस को देखना होता है, समझना होता है और उस चेंजेस के हिसाब से हमारे स्ट्रैटेजी को, सिचुएशन को टाइम के हिसाब से चेंज करना जरूरी है, तभी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं।
A trader need to familiarize themselves with a tracking average volatility following financial news release and being able to distinguish a trend market from a ranging market. हमको वहाँ पर देखने की बहुत हमको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत होगा, फिल्मराइज होने की ज़रूरत होगा इस चीज़ से कि हमको मार्केट का वॉल्टिलिटी जानना ज़रूरी, कौन से न्यूज़ के बाद मार्केट कैसा वॉल्टिलिटी होता है, कौन सा वॉल्टाइल होता है, प्लस कहाँ पर मार्केट ट्रेंडिंग और कहाँ पर मार्केट रेंजिंग है, ताकि हम उस बेस पर प्रॉपर तरीके से ट्रेड लगा सकें। और हमारा जो पॉइंट रहेगा यहाँ पर वो रहेगा लास्ट वाला, पुअर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मेरे सबसे रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी के बिना ट्रेडिंग इम्पॉसिबल है, मेरा पर्सनल बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर। इनप्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट इज अ मेजर रीजन वाई फॉरेक्स ट्रेडर टेंड टू लूज मनी क्विकली। अगर हमारा मनी मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी प्रॉपर नहीं है, तो हम इजीली अपने अकाउंट को फ्लश कर सकते हैं। Many forex traders are just impatient to get right into trading with no regret for their total account size. बहुत से फॉरेक्स ट्रेडर क्या करते हैं, मार्केट में जंप करते हैं, मार्केट में ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं बिना ये जाने कि उनका अकाउंट साइज कितना है और उस अकाउंट साइज के हिसाब से रिस्क मैनेजमेंट उनको कितना करना चाहिए। When you trade without risk management rules, you are in effect of gambling. अगर हम without trading risk management strategy के बेस पर ट्रेड लेते तो इन शॉर्ट हम एक गैम्बलिंग कर रहे हैं। रिस्क मैनेजर रूल्स विल नॉट ओनली प्रोटेक्ट यू बट दे कैन मेक यू वेरी प्रॉफिटेबल इन लॉन्ग रन। रिस्क मैनेजर स्ट्रेटजी जो रहेगा वो हमको सिर्फ हमारा कैपिटल को सेव नहीं करेगा बट लॉन्ग टर्म के लिए हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है। लास्ट आई थिंक हमारा यहाँ पर पॉइंट है, नॉट फॉलोइंग अ ट्रेडिंग प्लान। इट्स अ हाईली रिकमेंडेड टू ट्रीट फॉरेक्स ट्रेडर एज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस, इट्स बिकॉज ऑफ बिजनेस। बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ या बहुत से लोगों से अगर पूछते हैं कि भाई फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, तो बहुत से लोगों का क्वेश्चन इस तरह आता है कि वो एक गैम्बलिंग है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये एक रातों रात अमीर करने वाला बिजनेस है, बट एक्चुअली नहीं, क्योंकि जितने भी बिजनेस या जो बिजनेसमैन लोग हैं उनको आप पूछ सकते हो कि जो बिजनेस करते हैं वो रातों रात अमीर नहीं होते, इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम। तो यहाँ पर अगर आप फॉरेक्स को एज अ ट्रेडिंग एक एज अ बिजनेस लोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनी सीरियस बिजनेस प्रोजेक्ट नीड अ बिजनेस प्लान। सिमिलरली अ सीरियस ट्रेडर नीड टू इन्वेस्ट टाइम एंड एफर्ट इनटू डेवलपिंग अ थ्रू ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अगर हमको जैसा एक एग्जांपल मैंने आपको बिजनेस कर दिया कि आप इसको बिजनेस समझो, तो हमारे को एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए, उस ट्रेडिंग प्लान के बेस पर हम अपने ट्रेड सेटअप करेंगे, क्योंकि हमको सब कुछ यहाँ पर प्लान वाइज करना होगा। अ ट्रेडिंग प्लान नीड टू कंसीडर ऑप्टिमम एंट्री एक्सिट पॉइंट फॉर ट्रेडर्स, रिस्क रिवार्ड रेशियो अलॉन्ग विथ मनी मैनेजमेंट रूल्स। अगर आपको एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए तो उसके अंदर आपको ये चीज़ इंक्लूड करना होगा, फिर आप जो भी ट्रेडिंग प्लान बनाते हो आपको एक एंट्री और एक्सिट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। आप यहाँ पर एंट्री लोगे, यहाँ पर एक्सिट लोगे, आप रिस्क रिवार्ड रेशियो देखोगे प्लस मनी मैनेजमेंट रूल्स के साथ। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको इस पूरे पॉइंट्स के अंदर एक आइडिया मिल चुका है कि क्यों बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडर अपना पैसा लूज करते हैं, ताकि इस पॉइंट को नोट करते हुए आपको आइडिया मिल सके कि अब आपको क्या करना चाहिए, इन पॉइंट्स को आपको कैसा सेव करना होगा और इन पॉइंट्स को कैसे निकलना होगा, ताकि आप एक्चुअल में अगर आप फॉरेक्स में पैसा लूज भी कर रहे हो तो इन पॉइंट्स को आप यूज़ करो, यूटिलाइज करो इन पॉइंट्स को, इंशाल्लाह फिर आप पैसा अपना लूज नहीं करोगे। गाइस उम्मीद करता हूं को वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिला। अगर आप चाहते हो इसी तरह के कंटेंट अपलोड हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कॉमेंट करके आगे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़ एंड जय हिंद।